अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू नाज़िम एजुकेशन स्टूडियो। नाज़रीन, तालीमी खबरों का नंबर वन चैनल आपके साथ एक दफ़ा फिर तालीमी न्यूज़ सबसे पहले शेयर कर रहे हैं। कौन से तालीमी इदारे बंद होंगे, कब तक बंद होंगे, NCOC ने अहम डिसीजन किया है, बड़ा ऐलान कर दिया है, आपके साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध में पहले ही तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यन मुद्दत तक बंद हो चुके हैं। कोरोना केसेस में डे बाई डे 5000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए NCOC ने जो पिछली मीटिंग की थी उसमें बड़ी सख्ती से ये शरायत आयद की थी कि तमाम तालीमी इदारे SOPs पर सख्ती से अमल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ कि अब कौन से तालीमी इदारे बंद होंगे, तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करें। तफसीलात के मुताबिक सिंध के बाद दीगर सूबों में भी तालीमी इदारे गैर मुअय्यन मुद्दत तक बंद हो सकते हैं और वो तालीमी इदारे बंद हो सकते हैं जो इस वक्त कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे और जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। उन तालीमी इदारों को कम से कम 2 हफ्ते के लिए बंद किया जा सकता है।